ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए वाजपेयी साहब से अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वाजपेयी साहब, हमारे अगले प्रश्नों का उत्तर के लिए आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक। हमारे एक मित्र हैं, थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। हाँ। उन्होंने हमारे मतलब हमारे दर्शक के मित्र। हाँ, ओके, वो थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। हमारे दर्शक चाहते हैं कि मैं उनकी कुछ मदद करूं, उनको जो भी पैसा चाहिए मैं उनको दूं, लेकिन और उनसे उनको कुछ ब्याज या उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। उनका ऐसा बोलना है कि मैं उनको मदद करना चाहता हूँ, मैं उनको 2-3 लाख रुपया जो उनको चाहिए मैं देना चाहता हूँ, लेकिन बिना किसी इंटरेस्ट लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मैं एकदम शॉर्ट टर्म में देना चाहता हूँ, 2 महीना या 3 महीने के हिसाब से देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरा वो मित्र मेरे से 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए मांगता तो मैं बैंक रेट के इंटरेस्ट के हिसाब से उससे चार्ज करूंगा, ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा, बैंक रेट के हिसाब से चार्ज करूंगा। और उसके बदले में मैं उसके साथ में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स लेना चाहता हूँ विदाउट डेट डाले हुए, और आपस में कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि तुम मेरे से इतना पैसा ले रहे हो, अगर मुझे 6 महीने के बाद में मेरे को पैसे की जरूरत पड़े तो आप मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दोगे, ऐसा मैं कुछ लिख के लेना चाहता हूँ। लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये मनी लेंडर तो नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनका बोलना अगर मैं मनी लेंडर नहीं हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो उस एग्रीमेंट का कुछ वैल्यू है क्या जो मैं अपने मित्र के साथ करना चाहता हूँ? तो सर इसका समस्या बताए, समाधान बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, आपके जो दर्शक हैं ये अपने मित्र की मदद करना चाहते हैं, और मदद करने के लिए उनका ये कहना है कि 2 या 3 महीने से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पीरियड हो जाता है तो मैं फिर मैं जो सिंपल बैंक का ब्याज होता है मैं लेना चाहता हूँ। सर्टेनली आपके मित्र इसमें उनको दे मदद कर सकते हैं, और जो भी आप पेपर बनाते हो उसके अंदर एक आपको एक सादा एग्रीमेंट बना के लेना है 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, जिसमें कि वो टर्म्स कंडीशन लिख दें कि मैं एक फ्रेंडली लोन दे रहा हूँ, और मैं जो भी इसका ब्याज अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं एग्री कर रहा हूँ, जो देने वाला है वो एग्री कर रहा है कि हम आपको इसका ब्याज देंगे, क्योंकि आपने भी जो पैसे हैं आपने बैंक से निकाल करके दिए हैं, आपकी FD तोड़ करके दिए हुए हैं, तो 10% 12% जो भी है, और उसमें वो लिखा जाए। दूसरी बात, पैसा आपको कैश नहीं देना है, यू हैव टू गिव इट बाय चेक ओनली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में आप चेक से दीजिए। दूसरी चीज़, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो वो डॉक्यूमेंट को आपने उनके पास से एक हलफनामा यानी डिक्लेरेशन सॉलेम डकर में शपथ पत्र जिसको कहते हैं वो बना करके ले हुए कि भाई मैंने ऐसी मेरी स्थिति थी और इस वजह से मैं हमारे इनसे पैसे ले रहा हूँ, और अगर मैं 2 से 3 महीने के अंदर मैं नहीं दे देता हूँ तो ये जो चेक मैंने इनको दिए ये आप जो है इसमें ब्याज इतना 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 जोड़ करके ये हमारा पैसा आपसे ले सकते हैं, और उसको डिक्लेरेशन को सॉलेम अफर्मेशन करके नोटरी के सामने जाकर के दोनों पार्टियों को जाकर जिस जो डिक्लेरेशन देगा वो जाकर के वहाँ पर वो शपथ पत्र पे साइन करेगा और नोटरियल रजिस्टर पे भी साइन करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो एक आपके पास में एडिशनल प्रूफ हो जाता है कि भाई इनके सामने मैंने ये शपथ पत्र डिक्लेयर किया है। दूसरी चीज़ जो बताया है कि ब्याज वो चेक में डेट नहीं डालना या ये नहीं करना, ये जो चीज़ है ये ऐसा लिखना गलत है। हाँ, उसमें चेक नंबर डाल सकते हो, आप चेक नंबर डाल दो और ये कह दे कि भाई ये चेक मैं बिना डेट की दे रहा हूँ, और अगर 6 महीने में हम पेमेंट चुकाना है तो इसके ऊपर इतना ब्याज लेगा, आप उसी वक्त कैलकुलेशन कर लो, या 12 महीने में देना है तो 12 महीने का कैलकुलेशन लिख दो और वो अमाउंट जरूर डलवा दो उन्हीं के द्वारा जिनके जिन्होंने चेक दिया हुआ है, और उसमें आप वो तारीख डाल सकते हो, तब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। ऐसे आप ब्लैंक चेक देना या अनडेटेड चेक देना या विदाउट अमाउंट डाले हुए देना ये गलत हो जाएगा, तो फिर वसूल करने के लिए जरा थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो
मदद भी आप करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसको सेफ्टी के साथ में मदद करना चाहते हो तो आपको इस तरह की प्रॉपर केयर लेनी पड़ेगी। आपके दर्शक जो हैं वो मदद करना चाहते हैं, तो मदद करने के लिए भी एक तरीका है, तो और उसको आप अपने पैसे को सेव भी करना चाहते हो, ठीक है। तो इनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपका जैसे 12 महीने का ब्याज होता है, तो 12 महीने के बाद का एक चेक जो है ये हमारा ड्यू हो जाएगा, तो मैं 12 महीने के हिसाब से आप पेमेंट कर दूँ। और अगर छठे महीने का है तो 6 महीने में अगर पेमेंट देता है तो उसमें ये भी लिखा जाए कि भाई अगर मैं 6 महीने में पेमेंट दे देता हूँ तो 12 महीने वाला चेक जो है ये कैंसिल समझा जाएगा, ऐसा उसमें लिखें। या 12 महीने में दे रहे हैं तो 6 महीने वाला चेक हमें वापस करें। तो इस प्रकार का पूरा प्रॉपरली अगर डिक्लेरेशन करके लिख लेते हैं और प्रॉमिस ले लेते हैं और या प्रॉमिसरी नोट लेते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके ये उनकी मदद निश्चित रूप से कर सकते हैं। बाकी रह गया अब सवाल मनी लॉन्ड्रिंग का, या मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है तो इसमें मनी लेंडिंग लाइसेंस का सवाल नहीं आता है। इसमें आप एक फ्रेंडली लोन दे रहे हैं, कर रहे हो सामने फ्रेंडली लोन दे रहे हो, साथ ही साथ में आप जो पैसा दे रहे हो वो आपके एफडी से दे रहे हो या आपके बैंक से पैसा निकाल के दो, जिसका ऊपर जिसके ऊपर आपको निश्चित रूप से अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जो बैंक आपके बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो आप उसमें अमाउंट जोड़ करके लिखें। लेकिन ब्लैंक चेक देना, अनडेटेड चेक देना, वो प्रूफ करने के लिए बाद में तकलीफ आ सकती है और वो कह सकते हैं कि मेरा ये इतना तो अमाउंट ड्यू नहीं था, मुझे तो इतना ही पैसा मिला था, 1,00,000 रुपया ही मिला था, आपने 1,10,000 कैसे लिख दिया इसमें, 12 महीने अगर हो जाते हैं तो उस हिसाब से वो दे सकते हैं निश्चित रूप से। तो सर आप करिए मदद अपने दोस्त की, लेकिन कानून के दायरे में रह के। वाजपेयी जी अभी अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा एक प्रश्न एक हमारे दर्शक ने भेजा है। उनका ऐसा बोलना है कि उनके पिताजी है, हमारे दर्शक के बुजुर्ग है, 62 एज है उनका, उनका नाम दयानंद है, दयानंद बसप्पा, उनका सरनेम बसप्पा है। लेकिन क्या हो गया था, इनके पिताजी जब स्कूल में थे तो उस स्कूल में शायद वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के वजह से वो बसप्पा का करप्पा हो गया, ठीक है। तो इनके पिताजी ने वो चेंज नहीं किया, वो करप्पा ही रखा। तो वो बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स जो दयानंद करप्पा ये करप्पा सब जगह पे चले गया, वही डॉक्यूमेंट उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आया करप्पा के नाम पे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बसप्पा के नाम पे भी बना। जब इनका पिताजी का मैरिज हुआ तो उनकी वाइफ का नाम बसप्पा के हिसाब से हुआ। तो अभी क्या ये करप्पा और बसप्पा दो नाम इनका चल रहा है। तो अभी क्या इनका रिटायरमेंट हो गया, सब हो गया है, तो अभी क्या इनका जो एफडी तोड़ना है या इनको जो इंश्योरेंस क्लेम करना है सब करना है, तो अभी ये दो नाम का कंफ्यूजन है। आदमी एक है लेकिन नाम सरनेम दो हो गया है। तो अभी इनके जो बच्चे हैं, हाँ इनके बच्चे, उनका बसप्पा है लेकिन इनका करप्पा है। तो अभी वो करप्पा और बसप्पा, अभी इसको आप कानूनी सलाह दीजिए कि ये किस तरह से चेंज करके एक नाम पे आए बसप्पा पे। तो भाई देखिए ऐसा है, ये तकलीफ तो करप्पा और बसप्पा ये दोनों की है, सरनेम का प्रॉब्लम है। तो सरनेम का प्रॉब्लम के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपके दर्शक के पिताजी को ये कह दीजिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आप अपना सरनेम, उसमें जब आप लिखते हैं तो एक फॉर्म आता है, आप गजेट नोटिफिकेशन दे सकते हैं, और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है, साथ ही साथ में कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती है आपके बारे में, और आप ये उसमें गजेट नोटिफिकेशन के अंदर नेम चेंज का, नाम चेंज करने का आप गजट नोटिफिकेशन करवा सकते हो, या आप इसमें सरकारी मदद भी ले सकते हो और हम लोगों के वकीलों की भी मदद आपको मिल जाएगी। और तो इसमें कैसा होता है कि आप जब वहाँ पर कहेंगे भाई हमारा जो नाम करप्पा जहाँ जहाँ भी है तो उसे बसप्पा भी समझा जाए, तो जब पहला नाम दयानंद करप्पा लिखा है अलियास दयानंद बसप्पा, ये न्यू नेम हो गया, पहला नाम दयानंद करप्पा, ठीक है, और उसमें आएगा न्यू नेम गजेट नोटिफिकेशन के अंदर दयानंद
बसप्पा एलियास दयानंद करप्पा, तो उसका मतलब यह होगा गजट नोटिफिकेशन देने के बाद में आपको एक पब्लिक नोटिस दे देनी है, और वो गजट नोटिफिकेशन की आप चाहे 10 कॉपी भी निकाल सकते हो, चाहे 5 कॉपी निकाल सकते हो, और जब भी आपको ज़रूरत है आप जो गवर्नमेंट प्रेस है वहाँ एप्लीकेशन करके आप और भी कॉपीज निकलवा सकते हो, और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ पे वो एफिडेविट डाल करके कि भाई देखिए ये मेरा नाम है, ये मेरा गजट नोटिफिकेशन है, ये मेरा पब्लिक नोटिस दिया हुआ है मैंने, और इसके अनुसार मैं अगर दयानंद करप्पा हूँ तो मेरा नाम दयानंद बसप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जैसे पप्पू उर्फ मुन्ना, अबे जीतू ऊपर टिंकू, इस तरह के नाम होते हैं, तो कहीं कहीं पे आ जाता है भाई टिंकू नाम लिख दिया किसी ने और जीतेश भी नाम है, तो भाई जीतेश उर्फ टिंकू, तो उसको आपको सरकारी, लेकिन सरनेम में उस तरह से लग सकता है क्या उर्फ करके? हाँ उर्फ लग करके सकता है? नहीं आप पूरा नाम करिए ना, दयानंद करप्पा उर्फ दयानंद वासप्पा, ऐसा हो सकता है एज सेम पर्सन, और एक एफिडेविट आपको करना है, डिक्लेरेशन करना है सोलह में नोटराइज करके कि भाई डिक्लेरेशन ऑन ओथ, उस तरह का आप ये करके रखेंगे तो आपको मुझे लगता है कि आपके दर्शक की समस्याओं सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब रह गया बाकी तो रिटायर हो गए, अब तो इनकी लाइफ का जो इवनिंग दे लिविंग इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, सो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं चलनी चाहिए। अभी इनके जो आपके दर्शक के फादर हैं उनके उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनका नाम सब जगह पर यही है, तो भाई वही जो आप बताया कि FD वगैरह का है तो वहाँ पर इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इनको ज़्यादा कोई इसमें परेशानी होने की संभावना है। तो सर आपका समाधान आपको मिल गया है ऐसा आशा करते हैं, तो सर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत, और कानूनी सलाह इसी तरह से आप देखते रहिए, कानूनी सलाह आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, नमस्कार।